विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार जनता के बीच पहुंच रही है। सोमवार को भी आप पार्टी से सीएम पद के उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल श्रीनगर पहुंचे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा रैली का आयोजन भी किया गया। लोग पता लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की बात होगी तो दिल्ली बॉर्डर उत्तराखंड में आएगा, तो लोग समझ रहे हैं, लोग जान रहे हैं। आज कितना जल चढ़ाव है, उधर बारिश थी, अब बारिश होने की लोग कहीं गए नहीं, सीटें भरी के आसपास से बढ़ा होगा माहौल, लोग कितना बखुशी है। एक हमारी पार्टी हम लोग करना के लिए एक नया विकल्प लाएगी। बीजेपी कांग्रेस से लोग बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त है। आज बीए पास का बच्चा भी गाय बेचा। स्थानीय गोला पार्क में जनता को संबोधित करते हुए कोठियाल ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड को एक डूबता हुआ जहाज बनाकर रख दिया है। इस डूबते हुए जहाज को आम आदमी पार्टी की आवश्यकता है। उन्होंने जनता से आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने नागालैंड में शहीद हुए टिहरी के गौतम लाल की शहादत को नमन करते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि शहीद गौतम उनके यूथ फाउंडेशन में ट्रेनिंग पाकर आर्मी का हिस्सा बने थे। अगर श्रीनगर में कोई मंत्री रहा हो या श्रीनगर से कोई विधायक रहा हो या श्रीनगर के पुराने कोई कांग्रेस के अगर आज सीनियर मोस्ट बन रखे हो, उससे ना फर्क नहीं पड़ता है। बात है कि जनता क्या लेके चल रही है और जनता की आवाज़ के सामने तो कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं आती। आज जनता ये देख रही है कि क्योंकि हम लोग हताश हैं तो हमें वाकई में विकल्प देखने की जरूरत है, और विकल्प के तौर पर जब जनता देख रही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उन सारे मॉडलों को कामयाब बनाया जो कि आज उत्तराखंड की जरूरत है, तो काफ़ी देखो देशभक्ति में तो शहीद तो शायद हम भी होते हैं जरूर, परिवार में तो बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन देश जो है ना इंडियन आर्मी वो तो अपने शहीदों को बहुत अच्छे तरीके से देखती है, और इसमें कोई शक नहीं है कि आज अगर ये शहीद हुआ है हमारे यूथ फाउंडेशन से नहीं अपनी काबिलियत से ट्रेन हुआ वो लड़का, तो ये तो ना हौसला बढ़ाएगा और लोगों का वो कैसे इंडियन आर्मी में जाए। श्रीनगर गढ़वाल से भगवान सिंह, पब्लिक न्यूज़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।